कर दिया। बाजन जाओ, ताड़ी बजाओ जोर तय। ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। आरिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव मोहब्बतपुर और जिला हिसार में फिलहाल आप पहुँचे हैं, और कल आपने पता भी होगा भाई, दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट आया कल, और हरियाणा बोर्ड में यानी 595 नंबर मारिया बाण, मोहिनी नाम है जो गाँव मोहब्बतपुर। तो एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ भाई सारे। यानी आपने पता है भाई, जो बेटी है देश का गौरव भी है और देश का गौरव भी है। आज किसी भी क्षेत्र में बेटी बेटियां के पीछे नहीं है, चाहे राष्ट्रपति तो ले लो, चाहे प्रधानमंत्री तो ले लो, चाहे मुख्यमंत्री तो ले लो, चाहे राजनीति की बात कर लो, खेलों की बात कर लो, ओलंपिक की बात कर लो, कॉमनवेल्थ की बात कर लो, गोल्ड मेडल तो लेकर, यानी आज बेटियां तो भी आगे निकलने का काम कर रही हैं। जो रोहतक तय है 496 नंबर है, और इस गुड़िया का भी घना फर्क कौन है भाई, नुका कर बूंद बूंद तो सागर भर है, उरा भी रपटा एक नंबर की कितनी कीमत हो है। यानी अगर एक नंबर फालतू होता तो मोहिनी पहले होती, एक नंबर कम है तो दूसरे पे है। तो हमारी तरफ तो गुड़िया ने बहुत बहुत बधाई और बड़ी खुशी है। स्टाफ वाले आ जाओ जी। यानी नु कहा कर भाई से तो माला ब्याह में गलिया कर, हर कह बाल गोल्ड मेडल लेकर आओ जब, लेकिन यह खुशी भी गोल्ड मेडल तक नहीं, ताड़ी बाज दे रही हो भाई जब तक माला गला। तो इस गुड़िया का स्वागत कराया जाऊगा सोनू इस साइड बस। हाँ पीछा है थोड़ा। यानी आप देख सको भाई कितनी खुशी है, अपने आप में बहुत बड़ी बात। पेरेंट्स की धोनी के पेरेंट्स माँ है उनकी। अच्छा, उनकी माँ। आप भी डाल दो, डाल दे डाल। अरे बताए तो ताड़ी एक बार जोर तक पूरे का। यानी आपने देख लिया भाई, स्कूल का जो स्टाफ है, स्कूल के लिए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया का माध्यम तय लगा लियो, स्कूल का नाम कम से कम पूरी हिसार डिस्ट्रिक्ट का जब भी जिक्र चल लगा कि बारहवीं का रिजल्ट में कौन टॉपर आया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का नाम चल गया। तो सेकंड नंबर पर जो मोहिनी है गुड़िया आई है, इसने अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कराया, साथ के साथ स्कूल का और पूरे जितना भी मतलब स्टाफ है सबका नाम रोशन कराया। तो इनके जो पेरेंट्स थे प्रदीप जी और इनकी जो माता जी हैं, उनने भाई जो स्टाफ है स्कूल का प्रिंसिपल सर हैं वो भी सम्मानित करे, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होया करता। जो शिक्षा है, जो संस्कार है वो इनने दिए हैं। तो प्रिंसिपल कौन है जी? अच्छा, तो राम राम जी, और बहुत बहुत बधाई हो आपने, मतलब इस बेटी ने आपका नाम और इनके माँ बाप का नाम, स्कूल का नाम आज हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जब भी जिक्र आता लगा तो बहुत ऊंचा करे। बहुत धन्यवाद सोनू भाई, और आपके सभी दर्शकों को और सभी श्रोताओं को मैं सबसे पहले नमस्ते करता हूँ। और आपके जो मुद्दे हैं, विषय रहते हैं हमेशा सोशल मीडिया पर, वो सामाजिक मुद्दे, राजनीति में जो महत्वपूर्ण मुद्दे जो एक समस्या के रूप में उभर रहे हों, उन विषयों पर आप अपनी पत्रकारिता करते हैं। बहुत बार आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, अच्छा भी लगता है। तो आप पर भी हमें बड़ा गर्व है कि आप अपनी इन प्रतिभाओं को उत्साहित कर रहे हैं। कितनी खुशी हुई जब आपने पता लगा कि अपना स्कूल की छोरी 99% नंबर ले रही है। बेहद खुशी, मतलब अनियंत्रित भाव जिसको कहें, वो खुशी थी। मैं सुबह भी जैसे चर्चा कर रहा था कि रात भर जो है खुशी में ही, मतलब नींद नहीं आ पाई, मतलब इतनी अपार खुशी जो है ना हुई जब ये पता लगा कि बेटी जो है ना पूरे हरियाणा में सेकंड पोजीशन पर है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ देखो, मेहनत तो निगार नहीं भाई, गुरुजन है उनकी भी मायने रखे है। निरार देखो नुगागर भाई, बालक है, बालक की पढ़ाई तो नहीं, उन्हें पढ़ाने वाले भी बहुत कुछ मायने रखे हैं। तो स्टाफ के बारे में क्या कुछ कहोगे जिन्हें पढ़ाई गुड़िया जी? मैं पूरे, मेरा जो है ना बहुत पुरुषार्थी स्टाफ है, साथ के साथ घुमाएगा सारे बालक दिखाना रहा, डेडिकेटेड समर्पित भाव से मेरी एक पूरी टीम है, और मुझे उस पर गर्व भी है। और जो कुछ आज हुआ है उनकी पुरुषार्थ और बच्चों के अथक परिश्रम और पेरेंट्स अभिभावकों के सहयोग से ही सब कुछ संभव हो पाया है।
तो मैं उन सबको भी बधाई और शुभकामनाएं जो है देना चाहूँगा इस अवसर पर। इन बड़का ने क्या कहना चाहोगे? देखो नुग आग्रह हैं जो दूसरे खातर ताड़ी बजा अगर फिर उस खातर बाद में ताड़ी बजा रहे हैं, भला बजानी पड़े है। आज या गुड़िया आड़े खड़ी है तो इन मत है अगली बार लगे कोई ना कोई और बालक दसवीं बारहवीं तो उरा खड़ा हुआ वो भी फर्स्ट सेकंड। जी जी जी, मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने जो है ना बेटी विद्यालय की बेटी मोहिनी ही खड़ी है, उनकी कार्यशैली से शिक्षा लेकर के आप उनके कार्यशैली को देखिएगा, उनकी पोजीशन को देखिएगा। आज के दिन आप सबके लिए रोल मॉडल और आज सब आपके लिए अनुकरणीय और आदर्श जो है ना आज मोहिनी है। और पुरुषार्थ के द्वारा कोई भी ऐसा गोल नहीं है, कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको अचीव नहीं किया जा सकता। केवल बात इस पर है कि आपका जो है ना समर्पण कितना है और आपकी संकल्प कैसा है और आपका इंटरेस्ट उसमें कितना है, इस बात के ऊपर निर्भर करता है उसका परिणाम। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद।